अनुपमा विवाद पर फिर से बोले पारस कल्लावत, कहा कि निधि और आशीष ने माफी मांगी थी, साथ ही साथ जो पारस है उन्होंने शूटिंग के सेट को बता दिया अराजक। वेल, आपको याद होगा जब पारस ने जो है वो अनुपमा पर बहुत सारी बातें कही थी, उन्होंने बताया था कि अनुपमा के जो 80% एक्टर्स है वो ये शो छोड़ना चाहते हैं, काफ़ी अजीब माहौल है वहाँ का। इस पर निधि शाह ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं अपने काम को, और साथ ही पारस के बारे में भी ये बात बोली थी कि पता नहीं पारस जो है वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं जाता है। अब एक बार फिर से पारस का इस पर बड़ा बयान आया है। जी हाँ, अब ये बात काफ़ी आगे बढ़ती नजर आ रही है और अब पारस का कहना है कि उनके पास सबूत है। जी हाँ, वेल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास सबूत है कि क्या क्या होता था वहाँ पर। सोर्सेस की माने तो एक इंटरव्यू के दौरान पारस ने पूरे मामले पर बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने अनुपमा के सेट पर खराब अनुभव के बारे में लिखा था जिसकी वजह से मैंने शो छोड़ दिया, इसीलिए मुझे क्या लगता है और मैं क्या महसूस करता हूँ इस पर टिप्पणी करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, और अगर अब आप उनसे वही सवाल पूछेंगे तो उनके जवाब पहले से अलग होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उन्हें अपने दावों के सबूत भेजे। मेरे पास शो में काम करने वालों के मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स हैं जो खुश नहीं हैं और अराजक वातावरण की वजह से वो शो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण वापस आ रहे हैं। इसके बाद उनके पास इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो जानते हैं कि मेरी शिकायतें काफ़ी जायज़ हैं, वास्तविक हैं। वेल, बातचीत में जब पारस से अनुपमा के अराजक वातावरण का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा, शूटिंग सेट पर एक्टर्स की एक दूसरे से बहुत लड़ाई होती थी, खूब चिल्ला चोट होती थी। इसके साथ उन्होंने लिखा, मेरे साथ ही साथ हर कोई इसमें घसीटा जाता था। उन्होंने कहा, ये एक अगली रेस की तरह था जहाँ अहंकार और टकराव था, जहाँ कोई भी एक्टर दूसरे को उनसे बेहतर करते हुए नहीं देख सकता था। वो एक दूसरे का साथ देने की बजाय दूसरे को नीचे खींच रहे थे। आप किसी 16 साल के बच्चे को उन बातों पर लड़ते हुए नहीं देखेंगे जिनके बारे में वो लड़ा करते थे। तो ये बात जो है उन्होंने कही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कई तरह के झगड़ों का निशाना बना, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर मैंने झलक दिखलाजा चुनने का फैसला लिया। इसके अलावा पारस ने कहा कि मैं कभी भी जो है वो अनुपमा के अनहेल्दी वातावरण के बारे में नहीं बोलता, लेकिन मुझे आशीष और निधि द्वारा दिए गए इंटरव्यूज़ के बारे में पता चला, मैंने उसे पढ़ा और वहाँ पर मेरी बातों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। इसी के साथ साथ पारस ने खुलासा किया कि निधि और आशीष ने उनसे माफ़ी मांगी है, लेकिन मेरे बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना और पर्सनल तौर पर माफ़ी मांगना कोई समाधान नहीं होता। आशीष ने कहा कि वो मेरे खिलाफ़ नहीं बल्कि शो के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि निधि ने कहा कि वो इसकी भरपाई कर देंगी। आशीष ने कहा कि अनुपमा का हाल अब भी वही है, मैं शो के कुछ लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि अब भी वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। तो इस तरह से जहाँ एक तरफ अनुपमा की टीआरपी इतनी ज़्यादा हाई है, तो वहीं पर अनुपमा की माहौल के बारे में पारस ने कुछ ऐसी बात बताई है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।